बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफईआई। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉलिनॉइड एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। जो आज का टॉपिक है ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के बारे में है कि ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और ये आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है। और ये हमें फिर कैसे पता चलता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम एक कंपास नीडल को इस करंट कैरिंग वायर के नजदीक लाते हैं, और जो कंपास नीडल की जो यूजुअल डायरेक्शन होती है, यूजुअल पोजिशन जो उसकी होती है, वो नॉर्थ साउथ पोजिशन होती है। तो नॉर्थ साउथ पोजिशन जो कंपास नीडल की है, तो वो डिफ्लेक्ट होती है वहां पे। व्हेन ए कंपास नीडल इज ब्रॉट नियर ए करंट कैरिंग वायर, द यूजुअल पोजिशन ऑफ यूजुअल नॉर्थ साउथ पोजिशन ऑफ कंपास नीडल गेट इज डिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि कारण ये जो कंपास नीडल है ये तभी डिफ्लेक्ट होती है जब इसको मैग्नेट के नजदीक लाया जाता है, क्योंकि जो कंपास नीडल होते हैं वो भी स्मॉल मैग्नेट में लगा होता है, वो भी स्मॉल मैग्नेट ही होता है। तो फैराडे ने इसका रिवर्स देखा कि ये भी ट्रू है कि अगर हम करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे ये मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट होता है इस करंट कैरिंग वायर पे। क्या मतलब? ऑरेस्टेड ने क्या कहा? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेट फील्ड, और ये करंट कैरिंग वायर दूसरे मैग्नेट पे मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट करता है, जो कि हमें पता चलता है कि जब हम इसके नजदीक कंपास नीडल लाते हैं तो उस पे मैकेनिकल फोर्स उस पे ये एग्जर्ट होता है, जो कि करंट कैरिंग वायर उस पे एग्जर्ट करता है फोर्स, किस पे? कंपास नीडल पे। करंट कैरिंग वायर एग्जर्ट्स मैकेनिकल फोर्स ऑन ए कंपास नीडल, ठीक है। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर करंट कैरिंग वायर को ही अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द करंट कैरिंग वायर। तो ये फोर्स कितना होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फोर्स कितना होता है और वो किस पे डिपेंड करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि कैसे इस पे मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट होता है। कि अब हम देखते हैं कि व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैकेनिकल फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन इट। दैट मीन्स फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं पहले। डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें जरूरत है। मटेरियल रिक्वायर्ड: थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, यू शेप्ड मैग्नेट, मर्करी, ए शैलो वेसल, ए बैटरी, एटसेट्रा। हमें कुछ रिक्वायरमेंट यानी चीजों की यहाँ पे जरूरत है, वो मटेरियल रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं यहाँ पे कि थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, यू शेप्ड मैग्नेट। जो मैग्नेट होता है इसकी डिफरेंट शेप्स होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होता है, लेकिन हम यहाँ पे लेते हैं यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होते हैं वो बहुत हाई होती है इसीलिए। और मरकरी हम लेते हैं, मरकरी या लिक्विड मेटल है ये, ठीक है, ये मेटल है लेकिन इन लिक्विड फॉर्म, एट रूम टेम्परेचर, ए शैलो वेसल, ए बैटरी, एटसेट्रा। तो इनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आप इसकी फिगर। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से आप देखिएगा, दिस इज इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये हमने ऊपर से यहां पे
सपोर्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट की है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल जॉइंट के साथ एक एंड, ठीक है। इसका हमने नाम दिया ए और यहाँ पे बी। ए बी इज ए वायर, दैट मीन स्ट्रेट कॉपर वायर कैरिंग करंट, ठीक है, स्ट्रेट वायर है ये। इसका एक हंड एक एंड यहाँ हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, ज्वाइन किया यहां से। और इसका जो ये एंड है टॉप पे, ये हमने यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, या हम ये भी कह सकते हैं हमने और एक वायर लाई जिसको हमने इस कंडक्टर के एंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे ये ज्वाइंट है, हमने और एक वायर लाई, इसको यहाँ से इसके साथ बैटरी के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे इसके साथ, ये तो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और एक वायर हमने लाई जो भी इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसका एक एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और दूसरा यह हमने डिप किया है किसमें, मरकरी में। ये हमने ये मरकरी हमने ये हमने किसमें लिया, एक शैलो वेसल में, ठीक है। तो ये लाइक ए प्लेट है, ठीक है, इसमें हमने ये मरकरी लिया। तो और जो ये है यहाँ पे कॉपर वायर, ये हमने यहाँ पे इसमें डिप किया है। तो हमने इस वायर और इस वायर को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि इनडायरेक्टली हमने इसको कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, ये जो करंट कैरिंग वायर जो है ये हमने इसमें डिप की, ठीक है, और यहाँ से दूसरी और इसको भी इसमें डिप किया, लेकिन इन दोनों को आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि जो मरकरी है ये मेटल है, इट विल कैरी करंट, ठीक है, जब सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये देखिए, और हमने ये यू शेप्ड मैग्नेट लिया, डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। इसका एक एंड नॉर्थ है, दूसरा एंड साउथ है, ये देखिए ये मैग्नेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ही यहां पे स्विच क्लोज किया जाता है, दैट मीन्स ऑन किया जाता है, तो करंट फ्लोज थ्रू दिस वायर, और जो ही करंट फ्लो होती है, ये जो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर जो इसका ये एंड है बी, क्योंकि ये यहाँ पे फ्री है, ठीक है, ये इस प्लेट में है जिसमें मरकरी है, तो जो ही करंट फ्लो होती है तो ये फॉरवर्ड मूव करते हैं, ये एंड कंडक्टर का मूव करते हैं टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेट ने फोर्स एग्जर्ट किया है, फोर्स एग्जर्ट इस पे हुआ है, वो किसने फोर्स पे एग्जर्ट किया, इस मैग्नेट ने, ठीक है। तो इसका मतलब है फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फिर से मैं ये आपको समझाना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, ये करंट कैरिंग वायर है, एक एंड इसमें मरकरी में है, तो और एक एंड यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट है और यहाँ पे स्विच है। तो जो ही स्विच ऑन किया जाता है, करंट फ्लोज थ्रू दिस वायर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ, ये करंट कैरिंग वायर इस साउथ पोल की तरफ आती है। इसका मतलब है कि इस पे फोर्स एग्जर्ट हुआ है, मैकेनिकल फोर्स पे एग्जर्ट हुआ है इस करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है, जो कि किसने इस पे ये फोर्स इस पे क्यों एग्जर्ट हुआ, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस मैग्नेट, तो ये साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो जो ही ये यहाँ की तरफ जाते हैं से एट बी डैश, अब ये इसकी पोजीशन कहाँ चली गई, बी डैश पे। तो चूंकि ये यहाँ से यहाँ गई और इसका जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, सर्किट, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, सर्किट ब्रेक्स हेयर। तो क्योंकि जब यहाँ चले जाते हैं तो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, और ये फिर से वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यहाँ जब इस पे फोर्स एग्जर्ट, जब करंट फ्लो होते हैं तो ये यहाँ साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो ही यहाँ चली जाती है तो सर्किट ब्रेक डाउन होता है, ये वापस चली जाती है यहाँ, ठीक है, फिर से सर्किट कंप्लीट होता है, फिर से ये इसमें मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट होता है, फिर से ये यहाँ चली जाए तो इट शोज ए किकिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसीलिए इसको किकिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि इस करंट कैरिंग वायर पे मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट होता है जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेट के यहाँ पे ये मैग्नेट है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ साउथ की तरफ चली जाती है, क्योंकि करंट जो है ये तो
डाउन वर्ड्स है, इसीलिए ये जो है ये साउथ की तरफ चले जाते हैं। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो हमें एक रूल से यहाँ पे देखना है, जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि फोर्स गेट्स एग्जर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैकेनिकल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वी कैन ऑल्सो से दैट व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इसको ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से ये यही डायग्राम है। तो ये वायर है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मरकरी में डिप किया, ये मैग्नेट है, ठीक, और यहाँ पे ये वायर है, इसको हमने यहाँ से इसके साथ कनेक्ट किया है, यहाँ पे ये स्प्रिंग है, इसके साथ कनेक्ट किया है। तो ये मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट है, और यहाँ पे ये स्विच है, जो ये स्विच ऑन किया जाता है तो ये वायर यहाँ साउथ की तरफ चली जाती है। इसका मतलब है कि इस पे फोर्स एग्जर्ट हुआ है, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो ही सर्किट ब्रेक डाउन होता है ये वापस चले जाते हैं यहाँ, तो फिर से ये सर्किट उसके बाद कंप्लीट होता है, क्योंकि ये मरकरी प्लेट में, मरकरी इसमें जो वैसल है जिसमें हमने ये मरकरी लिया है, ये इसमें जब आती है तो सर्किट कंप्लीट होता है, तो इस पे फोर्स एग्जर्ट होता है। और इसके बाद जो ही ये यहाँ चली जाती है तो सर्किट ब्रेक डाउन होता है, ये वापस चली जाती है यहाँ, तो इसलिए इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे ये हैंड आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड है, ये हमें देखना है कि इस पे फोर्स एग्जर्ट होता है, जो मैग्नेट फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और ये जो करंट फ्लो होती है, तो डायरेक्शन क्या होती है इस फोर्स की, वो हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, जिसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले आप देखिए कि हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिकल फोर्स इज एग्जर्ट ऑन द कंडक्टर विच मेक्स इट मूव। तो ये जिन्हें मूव करती है, मोशन में आता है ये कंडक्टर, ठीक है, जो ही इस पे फोर्स एग्जर्ट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स इस पे एग्जर्ट होता है, जो फोर्स यहाँ पे इस करंट कैरिंग वायर पे एग्जर्ट होता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो परपेंडिकुलर होता है करंट को और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। क्या परपेंडिकुलर होते हैं? फोर्स परपेंडिकुलर होता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसकी डायरेक्शन अभी हम ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, मैक्सिमम फोर्स व्हेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द करंट कैरिंग वायर व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इस पे परपेंडिकुलर हो, नो फोर्स व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ भी फोर्स, जीरो फोर्स वहां पे एग्जर्ट होता है अगर ये पैरेलल में हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैक्सिमम फोर्स व्हेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट देखा कि फोर्स एग्जर्ट होता है इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होते हैं वो आप देखिए। डियर स्टूडेंट ये देखिए लेफ्ट हैंड है, पहले आप ये देखिएगा कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड, ये फोर फिंगर है जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ठीक है, और ये मिडल फिंगर है या सेंटर फिंगर है, और ये क्या है, थंब है, ठीक है। आपको स्ट्रेच करना है लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट थंब, ठीक, फोर फिंगर
एंड मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ऐसे आप पहले अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिएगा। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आप ये फिगर में ही देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा। ये फोर फिंगर है, ये मिडल फिंगर है और ये थंब है। इनको आप स्ट्रेच कीजिएगा। यू होल्ड योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट फोर फिंगर, थंब एंड सेंटर फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद क्या होता है, ये जो फोर फिंगर है इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज शोन बाय द सेंटर फिंगर एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज शोन बाय द थंब। तो फोर्स की डायरेक्शन थंब, करंट मिडल फिंगर या सेंटर फिंगर, और जो मैग्नेट फील्ड वो फोर फिंगर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि ये देखिए करंट, आपको कैसे याद रहेगा कि करंट इज शोन बाय द सेंटर फिंगर। तो सेंटर फिंगर का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, सेंटर। ठीक है, सेंटर फिंगर, सेंटर। ठीक है, तो सेंट करंट क्या है, उसका भी फर्स्ट लेटर सी है, इसीलिए सेंटर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट शोज सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर का फर्स्ट लेटर सी और करंट का फर्स्ट लेटर भी सी है, तो सेंटर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ फोर फिंगर, फोर फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड जो है दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर फिंगर का जो फर्स्ट लेटर है वो एफ है और फील्ड, फील्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो भी एफ है, इसीलिए याद रखना मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द फोर फिंगर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द फोर फिंगर। और थंब, ठीक है, थंब जो है इस ये फोर्स रिप्रेजेंट करता है, फोर्स की डायरेक्शन इज शोन बाय द थंब। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन थंब रिप्रेजेंट करता है, ये आपको याद रखना है। फोर्स या उसको हम मोशन भी कहते हैं। थंब जो है, थंब इसका आप देखिए एम है इसमें, थंब, THUMB, थंब, उसको हम, ये जो फोर्स है ना इसको हम मोशन भी कहते हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखना, अभी आपको समझ में आएगा कि ये इसका स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा, सी करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन और फोर्स, या फोर्स और मोशन, ये करंट मैग्नेट फील्ड फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी जो ये जो लेफ्ट हैंड जो है, और एक फिगर मैं आपको इसकी बताना चाहता हूँ। आपको देखिए, ये फोर्स है, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, फोर्स और मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके स्टेटमेंट के, लेफ्ट हैंड जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो अभी मैंने आपको बोला कि लेफ्ट हैंड को आपको ऐसे होल्ड करना है कि जो फोर फिंगर है और सेंट्रल फिंगर है, और जो थंब है, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट दे माइट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द फोर फिंगर पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, सेंट्रल फिंगर पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एट द एंड थंब पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, या हम उसको फोर्स भी कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी। ठीक है, तो अगर फोर फिंगर हमें, हम इसको रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक फिगर मैंने बताया, ये ऐसे भी आप रख सकते हैं, ये थंब है
मोशन ऑफ कंडक्टर, या जिसको हम ये भी कहते हैं कि फोर्स एंड फोर फिंगर फील्ड एंड करंट सेंट्रल फिंगर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट और जो फोर्स की डायरेक्शन है तो वो हमें दिखाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आपको कहीं पे दिक्कत आएगी तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से फिर से समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फोर्स कितना इस या एग्जर्ट होता है। मैंने करंट कैरिंग वायर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैंने यहाँ पे जो आज का जो एक्सपेरिमेंट है ये इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके लिए ये टॉपिक जो आज का लेक्चर है ये उसके लिए बेस है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में या इस टॉपिक में कहीं पे डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे कॉल करना। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।